टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भिवंडी की राजनीति में उस वक्त घमासान मच गया था जब अंदरूनी कलह की वजह से एनसीपी पार्टी के दो नेता शोएब गुड्डू और आरिफ अलवी खान के बीच में विवाद हो गया था। मगर अब मुंब्रा के कलवा मुंब्रा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान भिवंडी पहुंचे थे और फिर शमीम खान ने शोएब गुड्डू और आरिफ अलवी खान को एक साथ लाकर इन दोनों को गले मिलाया। शमीम खान ने साफ तौर पर कहा है कि विरोधियों ने पार्टी में फूट डालने की कोशिश की थी जिसे नाकाम कर दिया गया है, मगर शोएब गुड्डू और आरिफ अलवी खान जैसे लीडर की एनसीपी पार्टी में काफ़ी ज़रूरत है जो भिवंडी में एनसीपी पार्टी की जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। मैं भिवंडी शहर के वासियों को एक राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष के नाते एक संदेश देना चाहता हूं। 1 अप्रैल को फरहान हॉल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मेलावा था। उस प्रोग्राम के अंदर हमारे सीनियर लीडर हमारे भाई आरिफ अलवी साहब और मेरे बीच में थोड़ा सी कुछ नाइतफाकी हो गई और उसके लिए आज हम लोग मुमरा से शमीम भाई आए हैं, डॉक्टर मुमताज साहब आए हैं, इसरार भाई हैं, मकतूब भाई हैं और हमारे मंत्री जी जितेंद्र आवार साहब के आदेश के अनुसार आज हम लोग साथ में बैठ के एक दूसरे की जो भी शिकायत थी खत्म करके आज हम गले मिले हैं ताकि आगे जो लोग दूसरी पार्टी के लोग और जो लोग खेलने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनको ना मौका ना मिले। हम ये बताना चाहते हैं भिवंडी शहर में कि शोएब गुड्डू और आरिफ अलवी साहब एक ही है और एक ही रहेंगे इंशाल्लाह। हमारे परिवार का झगड़ा था, परिवार में मामला था, वो हम परिवार में बैठ के हम समझ लिए हैं और भाई वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, अगर मुझसे कुछ गलती भी होगी उसके लिए माजरत चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आगे से हम उस सब लोग मिलजुल कर पार्टी का काम करके पार्टी को बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे नबी का कौल है कि अगर दो लोगों में कोई बात एक हफ्ते तक बंद हो जाए तो भी जो है बहुत ज़्यादा गुनाह का आदमी सरजद हो जाता है। शोएब ने जैसे बात की जिस अंदाज से, मैं कहीं कोई चीज़ मेरे जहन के अंदर नहीं रह गई, इंशाल्लाह आइंदा जो है ये मेरा छोटा भाई है, क्या बात है, और जिस तरीके से भी जो भी रहेगा पार्टी को आगे बढ़ाना है, एवार्ड साहब के ख्वाबों को पूरा करना है इस शहर में और 2024 में कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं शरद पवार जी जो अंदर खाने जो चीजें चल रही हैं उसको भी हमको मिलजुल करके पूरा करना है। और अभी हमारी बात एवार्ड साहब से हुई, काफी दिनों के बाद बात हुई, उन्होंने कहा तुम आता नहीं मेरे पास, कहा तू बराबर जो है हर हफ्ते में 2-1 मरतबा आता जाता था। मैंने कहा साहब जो मुझको करना था 8 साल पहले तो मैंने कर ही दिया, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 चीज आपके पास है और मुझको जो है कहा कि नहीं अब तुमको आना ही पड़ेगा मेरे पास।